पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों ने वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था और यहां पर भी भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वहां पर बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं। कुछ बच्चे तिरंगा झंडा बनाकर लाए हैं और प्रधानमंत्री से उनके ऑटोग्राफ वहां पर मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री भी काफी खुशी से इन बच्चों को अपने ऑटोग्राफ वहां पर दे रहे हैं। तो भारतीय समुदाय के लोगों के लिए काफी ये एक खुशी का मौका है और जब कभी भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होते हैं तो हमने देखा है कि जो विदेशों में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनमें काफी उत्साह। प्रधानमंत्री कुछ बातचीत कर रहे हैं यहां पर बच्चों से। तो बिल्कुल काफी उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में देखा जाता है जब कभी भी प्रधानमंत्री विदेशों में होते हैं। और आज अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री म्यूनिक पहुंचे हैं। म्यूनिक में वो अपने होटल पर इस वक्त पहुंचे हैं तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भारी संख्या में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब वहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री भी इन लोगों के साथ वहां पर बातचीत कर रहे हैं। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ये जो 3 दिनों की विदेश यात्रा है ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जर्मनी में रहेंगे और वापसी में वो यूएई में रुकेंगे। यूएई में भी काफी महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम हैं और जर्मनी की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों के साथ वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ जीवाना साथे पूर्णी जीवाना देखा हेला माते साई सबुरी हॉस्पिटल बालाकाटी भुवनेश्वर।